नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे अन्ना हजारे के अनशन की। अन्ना हजारे का अनशन तो खत्म हुआ है, लेकिन बड़े सवाल छोड़कर गया है। क्या ये अनशन एक नाटक था? क्या ये अनशन एक फिक्सिंग था, मैच फिक्सिंग था? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्ना के बीच में एक ऐसा रिश्ता है जिसकी चर्चा पिछले 4-4.5 सालों से है। हर बार जब अन्ना अनशन को बैठते हैं, देवेंद्र फडणवीस आते हैं और अन्ना को मनाते हैं। इस बार भी वही हुआ। 6 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस आ गए। दिल्ली से केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह आ गए, और एक महाराष्ट्र के मंत्री, और एक दिल्ली के डिफेंस मिनिस्ट्री के राज्य मंत्री भी आ गए, और अन्ना ने अनशन की समाप्ति की। क्या यह पहले ही तय था? क्या मुख्यमंत्री ने अन्ना को मनाया, या अन्ना भी एक अपनी राजनीति खेल रहे हैं? अन्ना की राजनीति समझने के लिए उनकी मांगे क्या थी, इसके ऊपर एक नजर डालनी चाहिए। अन्ना की पहली मांग थी लोकपाल की नियुक्ति के लिए। उनकी दूसरी मांग थी महाराष्ट्र में नए कानून के अनुसार लोकायुक्त का गठन हो। स्वामीनाथन आयोग लागू करने की मांग भी उन्होंने की थी। फिर C2+50% के अनुसार किसानों को MSP देने की भी मांग थी। कृषि मूल्य आयोग को स्वायत्तता देने की मांग थी, और मोदी सरकार ने इस बजट में किसानों को 6,000 रुपये की जो खैरात दी है उसको बढ़ाने की भी मांग अन्ना ने की थी। इसमें से लोकपाल का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है। पिछले 4.5 सालों में मोदी सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। आपको याद होगा कि 2011 को जब अन्ना हजारे रामलीला मैदान में अनशन को बैठे थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने लोकपाल की मांग को समर्थन दिया था, लेकिन सरकार आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को हड़काया और कहा कि आपको लोकपाल की नियुक्ति के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। अभी 13 फरवरी को इसके बारे में एक मीटिंग हो रही है। इसका मतलब यह है कि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के पर्दे में है। क्या अन्ना हजारे को यह मालूम नहीं था कि इसके बारे में अभी मोदी सरकार या फडणवीस सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू है? फिर भी अन्ना ने लोकपाल नियुक्ति की मांग अपने सारी मांगों के लिस्ट में रखी थी। इसमें राजनीति यह है कि 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लोकपाल के लिए मीटिंग तो हो जाएगी, लेकिन कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होगी। एक बार आचार संहिता लगने के बाद मोदी सरकार कुछ भी मीटिंग नहीं ले सकती, कोई निर्णय नहीं कर सकती। ये सरकार को भी मालूम है और सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है। क्या अन्ना हजारे को यह मालूम नहीं था? अन्ना हजारे को किसी ने इसकी जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि अभी चुनाव के पहले वो अनशन को बैठते हैं और ये मांग करते हैं कि लोकपाल की नियुक्ति हो, तो इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या मजबूरी है, क्या राजनीति है, उनको किसी ने समझाया नहीं? मेरा इस पर विश्वास नहीं है। अन्ना अच्छी तरह से राजनीति को जानते हैं और उन्हें मालूम है सरकारें किस तरह का बर्ताव करती है। फिर भी उन्होंने मांग रखी, और कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनको यही बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी 13 फरवरी को मीटिंग होगी। फडणवीस ने कोई नई बात बताई नहीं, लेकिन फिर भी अन्ना संतुष्ट हो गए। अन्ना की दूसरी मांग थी महाराष्ट्र में लोकायुक्त का गठन करने की। इसमें भी एक गड़बड़ है। अन्ना का कहना है कि जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में महाराष्ट्र में पहला आइडिया ड्राफ्ट बनाया गया, वैसे लोकायुक्त कानून का पहला आइडिया ड्राफ्ट महाराष्ट्र में बन जाए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने अन्ना की यह मांग मानते हुए 10 सदस्यों की एक कमिटी नियुक्त करने का वादा किया। इसमें 5 अन्ना के सदस्य रहेंगे और 5 सरकार पक्ष के सदस्य रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है
अगर कुछ ही दिनों में कोड ऑफ कंडक्ट या लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो रही है तो यह कमिटी कब बनेगी, काम कैसे करेगी और ये ड्राफ्ट कब बनेगा? क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के बाद एक ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र सरकार के पास 2 या 3 महीने ही भी बचते हैं, क्योंकि उसके बाद महाराष्ट्र में भी अक्टूबर में चुनाव होंगे, उसके पहले कोड ऑफ कंडक्ट यहां भी लागू हो जाएगा। तो अन्ना की जो दोनों मांगे हैं, लोकपाल की और लोकायुक्त की, इनके ऊपर अभी कुछ भी अमल नहीं हो सकता क्योंकि चुनाव सामने आए हैं। फिर भी अन्ना को मुख्यमंत्री समझाते हैं, अन्ना भी समझते हैं ये मामला क्या है, इसमें लोगों को फिक्सिंग का शक होता है। अन्ना की बाकी सारी मांगे किसानों के बारे में थी। अफसोस की बात यह है कि अन्ना जब किसानों की मांगे रखते हैं या किसान आंदोलन को समर्थन देते हैं तो वो उनकी प्रायोरिटी कभी भी नहीं होती। पिछले साल जब अन्ना रामलीला मैदान में दिल्ली में अनशन को बैठे थे तब भी यही मांगे थी, लेकिन 6 दिन के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस रामलीला मैदान में आए, उन्होंने अन्ना का अनशन खत्म किया। तब किसान संगठन नाराज हो गए और उन्होंने अन्ना के खिलाफ नारेबाजी की थी। इस बार भी अन्ना ने केंद्रीय कृषि मंत्री राधारमन सिंह को यह नहीं पूछा कि आपने 2014 के चुनाव के वक्त किसानों को जो आश्वासन दिया था वो पूरा क्यों नहीं किया। अन्ना कहते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 40 से ज्यादा खत पिछले 4 साल में लिखे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई रिस्पांस नहीं दिया। मेरा सवाल यह है, क्या आंदोलन करने का एक ही तरीका अन्ना के हाथ में है? अन्ना सिर्फ अनशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर आपके 40 पदखतों को प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, कोई रिस्पांस नहीं देते, तो क्या इसके पहले भी आप आंदोलन नहीं कर सकते थे? अगर नरेंद्र मोदी ने आश्वासन तोड़े हैं, तो आज अनशन करने से क्या होने वाला है? क्योंकि जिन्होंने 5 साल आश्वासन पूरे नहीं किए वो अगले 2 महीने में या 100 दिन में आश्वासन पूरे करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। मेरा है कि अन्ना ने इसको नजरअंदाज कर दिया या फिर अन्ना को ये करना ही नहीं था। इस अनशन के बाद अन्ना पर यह आरोप लग रहा है कि अन्ना आरएसएस के एजेंट बन गए, या तो फिर वो मोदी सरकार या फिर फडणवीस सरकार या भारतीय जनता पार्टी के हाथों का खिलौना बन गए हैं। यह आरोप पहले भी लगा था, लेकिन अगर हम अन्ना का जो बर्ताव है पिछले 5 साल का उसको देखते हैं तो एक बात कहनी पड़ती है। अन्ना ने पिछले 2 अनशन जो किए, एक तो पिछले साल मार्च महीने में रामलीला मैदान में और अभी ये जो रावेगण सिद्धि में हुआ वो अनशन, इन दोनों अनशन को हम देखते हैं तो यह कहना पड़ता है कि अन्ना को बीजेपी ठीक तरह से मैनिपुलेट कर रही है और अन्ना भी मैनिपुलेट हो रहे हैं। इन 2 अनशन की बात अगर हम लेते हैं तो कहना पड़ता है इसमें अन्ना की एक भी मांग लोकपाल की हो या लोकायुक्त की हो ठीक तरह से बीजेपी ने मंजूर भी नहीं की, उसके ऊपर कुछ अमल भी नहीं किया। फिर भी अन्ना शांत रहते हैं और 6 महीने बाद या साल के बाद फिर अनशन को बैठते हैं। माजरा क्या है यह समझ में नहीं आता, क्योंकि अन्ना ने इसके पहले 2014 के पहले बहुत सारे आंदोलन किए थे। अन्ना ने पिछले 40 साल में 19 अनशन किए हैं, यह उनका 20वां अनशन था। पहले अन्ना कांग्रेस के खिलाफ अनशन करते थे महाराष्ट्र में, तब जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी तो उसके खिलाफ भी अनशन किया था, 3 मंत्रियों को इस्तीफा भी देना पड़ा था, उन्होंने कांग्रेस राष्ट्रवादी के खिलाफ भी अनशन किया था। लेकिन पिछले 4 साल में अन्ना सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, ये उनके ऊपर आरोप लगता है और ये बात सच भी है। अन्ना ने कभी जब महाराष्ट्र में मोहसिन शेख की हत्या हो गई तब अन्ना कुछ नहीं बोले, जब अखलाक की हत्या हो गई अन्ना ने कुछ नहीं बोले, जब जुनैद की हत्या हो गई अन्ना कुछ नहीं बोले,
जब रोहित वेमुला का मामला हुआ अन्ना कुछ नहीं बोले, जब कुछ कार्यकर्ताओं को अर्बन नक्सलवादी ठहराकर जेल में भेजा गया, जब आनंद तेलतुंबड़े को पुलिस हैरेसमेंट कर रही है तब भी अन्ना कुछ नहीं बोले, जब नासिक से किसान मुंबई पैदल आए तब भी अन्ना कुछ नहीं बोले, जब गन्ना किसानों ने राजू शेट्टी के नेतृत्व में आंदोलन किया अन्ना ने समर्थन तो दिया लेकिन अन्ना ने कुछ कृति नहीं की, जब पूरे देश के किसान दिल्ली में संसद भवन को घेराव करने आए तब भी अन्ना ने कुछ नहीं कहा। तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अन्ना मोदी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, क्या अन्ना के मोदी सरकार के साथ इतने अच्छे रिश्ते हैं कि वो बोल नहीं पाते। इस का जवाब अन्ना की क्रेडिबिलिटी भी दिन ब दिन कम होती जा रही है, उनका समर्थन भी घटता जा रहा है। पहले अन्ना के साथ महाराष्ट्र के कद्दावर नेता थे जैसे कि डॉक्टर बाबा आड़ा हो या गप्र प्रधान हो या फिर कुमार सप्तर्षी हो, इसके बाद अन्ना के साथ अरविंद केजरीवाल आ गए, किरण बेदी आ गई, वीके सिंह जैसे लोग आ गए, लेकिन आज अन्ना के साथ कोई भी अनुभवी कार्यकर्ता नहीं है। अन्ना के साथ जो लोग है वो उनके गांव के लोग है, वो उनके सेवक है या फिर कार्यकर्ता है जिनको बड़ी राजनीतिक समझ नहीं है, ऐसे लोगों ने अन्ना को घेर रखा है और आजकल अन्ना की पूरी राजनीति ऐसे ही लोग तय करते हैं। इस अनशन के दरमियान अन्ना ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरा इस्तेमाल किया। सवाल यह है कि कौन किसको और किस लिए इस्तेमाल करता है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना को इस्तेमाल किया या अन्ना ने भी उनका फायदा उठाया। अन्ना के अनशन को आप देखेंगे तो वहां कोई नियम नहीं होगा होता, कोई भी आता है बैठता है अन्ना को समर्थन देता है। दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना ने कहा कि मुझे कोई राजनीतिक दल यहां नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां हैं, कांग्रेस छोड़कर सभी लोग वहां थे, कोई कम्युनिस्ट था, कोई सोशलिस्ट था, कोई किसान कार्यकर्ता था, कोई मजदूर कार्यकर्ता था, एक कुंभ वहां जमा हुआ था। तो अन्ना को कोई आइडियोलॉजी नहीं है, अन्ना जब अनशन को बैठते हैं जो माहौल तैयार होता है उसका फायदा उठाने की कोशिश हर राजनीतिक पार्टी करती है, और 2011 में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, सबसे बड़ा विपक्ष वो था, तो उन्होंने फायदा उठाया। आज मेरा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस अन्ना का फायदा क्यों नहीं उठा सकती। इसका एक कारण यह है कि अन्ना को अभी पहले जैसा समर्थन नहीं है और कांग्रेस का अन्ना के साथ कोई भी संवाद नहीं है। 2011 के आंदोलन में भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां नहीं गया, राहुल गांधी नहीं गए, इस बार भी कांग्रेस का केंद्रीय स्तर का कोई भी नेता अन्ना को मिलने नहीं गया। अन्ना का अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ अच्छा रैपो है तो फडणवीस वहां जाते हैं, कल मैंने सुना कि वहां राहुल गांधी भी आने वाले थे लेकिन उनके पहले ही फडणवीस वहां पहुंच गए और अन्ना का अनशन उन्होंने छुड़वाया। तो यह बीजेपी का स्किल है कि बीजेपी फायदा उठाती है, अन्ना को उनको दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि अन्ना को भी इसका फायदा होता है और उनके रिश्ते बने रहते हैं। इस अनशन के बाद अन्ना का क्रेडिबिलिटी क्राइसिस बढ़ गया है, अन्ना को आत्मपरीक्षण करना चाहिए, अन्ना को सोचना चाहिए कि अनशन का हथियार बार बार इस्तेमाल करने से क्या प्रभावहीन हो गया है। अन्ना को यह भी सोचना चाहिए कि मुझे जनता का समर्थन कम क्यों हो गया है, क्या मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रिश्ते हैं वो हद पार कर गए हैं, क्योंकि अन्ना जैसे गांधीवादी कार्यकर्ता की ये ट्रेजिडी है और बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। अन्ना के बारे में जनता के मन में आज भी आदर की भावना है, पिछले 40 साल में 19 अनशन करना, उसमें से कुछ मंत्रियों को हटाना या राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना या लोकपाल की जो मांग थी उसको आगे बढ़ाना, ये बड़े काम अन्ना ने किए हैं, लेकिन अन्ना अभी थक गए हैं,
उनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती। तो मुझे ये उनसे प्रार्थना करनी है कि अन्ना आप आराम करो, जनता के जो आंदोलन है जनता अपने आप चलाएगी।